हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के साथ ना एक न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ और आज के ब्लॉग ना होम डेकोर की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, जो कि मैं अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तो कुछ कुछ सामान ऐसे ली हूँ जो कि डेकोरेशन के लिए। तो मीशो से मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया है फ्लिपकार्ट से, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब बताना कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे बताना सब कि आपको किस तरह से लगी क्वालिटी वाइज और कैसा है प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं आप सभी को कि क्या क्या है इन बॉक्सों में। तो मैंने इतने सारे बॉक्स हैं, आप देख ही सकते हैं। तो सबको मैंने मीशो से और सबको अफोर्डेबल रेंज, कुछ फ्लिपकार्ट से भी है जो कि वो भी अफोर्डेबल रेंज में ही मैंने मंगाया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इस बॉक्स में क्या है, हालांकि मैंने सारे बॉक्सेस को खोल लिया है क्योंकि मैं जब आया था डिलीवरी एक एक करके आ रहा, कोई भी एक साथ में नहीं आया है, तो मैं खोल के बस देखी हूँ। लेकिन अभी तक मैंने इसका यूज नहीं किया है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करने के बाद यूज़ करूँगी। किस तरह से मैंने डेकोर किया वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ऊपर में लगाऊँगी। चलिए देखते हैं ये छोटे वाले बॉक्स में क्या है। इसकी भी ये मीशो का प्रोडक्ट है, आप सभी देख सकते हैं। और इसकी प्राइस ना सिर्फ 134 रुपीज़ पे मिला है मुझे ये। और इसमें बहुत ही अच्छा सा एक डेकोरेशन का आइटम है जो कि बहुत ही अच्छा और घर में रखना शुभ भी माना जाता है। अच्छे से पैकिंग होके आई थी इस बॉक्स में ये था, और अच्छे से ये बबल रैप दिया हुआ है। देखिए साउंड आ रहा होगा, तो ये ना बहुत मज़ा आता है फोड़ने में, हम मुझे भी मेरे बच्चों को भी। तो ये बबल रैप में होकर के आया है, तो अच्छे है इसकी पैकिंग। और क्वालिटी वाइज देखते हैं, हालांकि ये है सिर्फ 134 रुपीज़ का। ये देखिए इसमें ना 3 सेट है एलिफेंट्स का, और काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे अच्छे से खोल के। मैंने इसे खोला नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से ही देखी थी। ये देखिए क्यूट सा एक, ये वाले सबसे बड़े, इसके 3 पीस हैं तो छोटे बड़े करके हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये सबसे छोटा वाला है, और उसके बाद ये वाला है, फिर सबसे बड़े वाली पीस, तो ये है सबसे बड़ा वाला। देखिए दिख रहा है ना, अच्छा सा है ये और काफ़ी सुंदर सा है ये देखिए। और कलर मैंने दूसरा कलर मंगाया था, लेकिन ये भी कलर काफ़ी अच्छी है, कहीं भी टूटी फूटी कुछ नहीं है, ये मट्टी का ही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से मैं डेकोरेट करूँगी, देखती हूँ ये इस तरह से आएगा। कैसा लगा आप सब जरूर मुझे बताना। तो ये हो गई मेरा पहला प्रोडक्ट एलिफेंट। दूसरा इसे मैं ओपन करती हूँ, तो इसे भी खोला है मैंने लेकिन सारे नहीं खोले। तो ये कुछ छोटे छोटे से आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, छोटे छोटे से, तो ये 4 प्लांट्स हैं। ये भी अच्छे से आई है और कुछ भी टूटा उटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से आ गया। तो इस तरह का ये ग्रीन ग्रीन 4 है छोटे छोटे, भी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है। और ये भी प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगाया है, इसकी प्राइस बताती हूँ मैं अभी, 188 रुपीज़ में, मतलब अंडर 200 की प्रोडक्ट है सब। तो ये चारों मुझे 188 में मिला है, और देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। ये 4 पीस है इस तरह से, तो इसे भी, ये एक डेकोरेशन के लिए है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप सब बताना आप सबको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा। तो सेकंड ये वाली प्रोडक्ट हो गई है। थर्ड प्रोडक्ट ये है, और भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाया। ये वाली जो आप बेडशीट इस पर डला देख रहे हैं, साथ में ये छोटे छोटे कुशन के साथ में मिला है, तकिया कवर के साथ में मिला है। तो ये भी मैंने ऑर्डर से ही मंगाया और काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे आप सबको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से लग रहा है, और ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप सब बताना आप सबको मेरी ये बेडशीट कैसी लगी।
ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लेकिन मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई और सिर्फ मैं डेकोरेशन के आइटम ही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि मैंने डेकोर के लिए लिया है और ये कुछ इस तरह से आएगा। ये पॉट है और ये इस तरह से बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। और साथ में ये 3 बर्ड्स दिए गए हैं जो कि इसे भी अरेंज करना है, जगह पे लगाना है ऐसे और ऐसे इधर से। तो ये बर्ड भी काफ़ी खूबसूरत सी है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी ये बर्ड आई है, 3 बर्ड्स आए हैं। हालांकि मैंने जो कलर चूज़ किया था वो कलर के बर्ड नहीं आए हैं, रैंडमली कोई भी कलर मुझे मिल गया है, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी लग रही है। इसकी जो पंख है ना वो रियल वाली पंख है और बाकी ये आर्टिफिशियल है। तो ये है एक 4th प्रोडक्ट है। आप सब बताना ये प्रोडक्ट कैसी लगी, ये मैं इसे जब सेट करूँगी इसे पिन से निकाल के तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी किस तरह से दिखता है। तो ये हो गई। और ये जो आपको भारी से प्रोडक्ट दिख रहा है ये क्या है, तो ये पेबल्स है जो कि मैंने 5 kg का मंगाया है। तो ये टोटल 5 kg का प्रोडक्ट पेबल्स है जो इस तरह से रंग बिरंगे पत्थर जो आते हैं वो वाले। तो ये भी मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाया है, जैसे कि इस पे इस प्लांट पे डेकोर करने के लिए और मेरे जो सेंटर टेबल है सेंटर टेबल को डेकोर करने के लिए। तो मैं इसका कैसे यूज़ करती हूँ पेबल्स का, तो वो भी मैं आपको साइड में दिखा दूँगी। तो ये हो गए पेबल्स जो कि 5 kg का है और ये भी मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया था। इसे भी मैंने मीशो से मंगाया है, इसकी प्राइस 205 है, वनली 205। और ये मुझे 205 में 5 kg पेबल्स मिल गए हैं कलरफुल, और इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप सभी देख सकते हैं। तो ये एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं मंगाई हूँ पॉट। पॉट का ये 10 सेट है जो कि मैं ये भी खोल के देख चुकी हूँ और ये भी मीशो से आया है। इसकी प्राइस है, इसकी भी प्राइस इस पर नहीं मेंशन है, और हालांकि ये भी 200 तक का ही है, 200 से ज़्यादा के नहीं है ये भी प्रोडक्ट। और ये है ये प्रोडक्ट, ये सेट है 10 का सेट है जिसमें कि मैं अभी दिखाती हूँ इसे, ये इस तरह का है, अच्छा है। छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने के लिए मैंने इसमें मंगाया है, छोटे प्लांट्स लगाऊंगी। अभी मैंने 1-2 प्लांट 3 प्लांट एक ही गमला में डाल करके लेके आई थी, तो सबको सेपरेट करने के लिए ये गमला यूज़ करूँगी मैं। प्लास्टिक का पॉट है और अच्छा है। काफ़ी सारे रंग बिरंगे कलर के हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि साड़ी के कलर दो दो, कुछ डार्क कुछ शेड में है थोड़ा से हल्के, तो जैसे कि ये डार्क में है तो उसके ये अपोजिट में थोड़े से हल्के में है, उसी तरह का ये इस तरह से है। और ये तो साड़ी के साड़ी पॉट काफ़ी अच्छा है, बस इसमें एक ये है कि इसमें ना ड्रेनेज होल नहीं है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि बाहर आउटडोर में रखने वाले हैं तो उनको ड्रेनेज करके रखना पड़ेगा और होल बना करके, और जो प्लांट अंदर रहेंगे इंडोर में उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही रह जाएगा कोकोपीट के मदद से डाल के, इसमें कोकोपीट डाल करके और लगा के तो अच्छा से हो जाएगा। तो ये है मेरा ये वाली प्रोडक्ट, तो कैसी लगी ज़रूर बताना। और 4th और सबसे बेस्ट जो कि मुझे बहुत पसंद आया है वो प्रोडक्ट ये है, क्योंकि इसे भी मैंने खोला है, तो चलिए दिखाती हूँ ये क्या है। जो इसकी प्राइस काफ़ी बड़ी लग रही है ना प्रोडक्ट, तो इसकी प्राइस मैं बताती हूँ। ये भी कुछ इसकी प्राइस मैं बाद में देख करके और मेंशन कर दूँगी। ये भी 200-300 के अराउंड ही आया है, ज़्यादा का मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं मंगाया क्योंकि एक साथ सारे घर के सामान को मंगाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए एक लिमिट सेट करने से कि मुझे कितने रेंज तक के सामान चाहिए, तो वो लिमिट सेट करने से थोड़ा से रेंज में स्थिरता होती है और काफ़ी अच्छा हो जाता है कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होती। तो मैंने इसलिए एक रेंज को सेट करके रखा था, तो 200-300 के बीच में ही। अभी तक के जितने प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया वो सारे के सारे 200 के हैं,
उससे ज़्यादा के नहीं है, और ये एक थोड़ा सा महंगा होगा, 200 समथिंग या 300 तक, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट का नहीं है। तो ये एक देखिए, ये ओपन हो गया, और देखिए काफ़ी अच्छे से ये मोटे वाले जो फॉर्म होते हैं ना उससे रैप होके आया है, और इस डबल लेयर रैप होके आया है। और ये देखिए, ये है बुद्धा जी, तो ये है बुद्धा जी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और इसे ना जब भी मैं देखती थी तो सोचती थी कि कब मैं खरीदूँगी, कब मुझे नए घर मिलेंगे और मैं ये खरीदूँगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे बड़ा सा नया घर मिल गया है और मैं अपनी शॉप को पूरी करने में लग गई हूँ। तो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। आप सबको कौन सा सबसे अच्छा लगा, ये और ये एलिफेंट वाली, ये दोनों ही प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे आए। हालांकि है सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस बार मुझे ना जितने कुछ मैंने ऑर्डर करके मंगाया सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। स्पेशल ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सब बताना आपको कौन सा पसंद आ रहा है, ये हाथी फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर क्या। तो आज की वीडियो यही है, आप सब बताना कैसा लगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।